हेलो रियर स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग माई चैनल अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेज टूडेज टॉपिक इज़ अ ट्रोली ब्यूटिफुल माइंड फ्राम बी हाइफ ऑफ क्लास नाइन्थ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है ये स्टोरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बारे में है जिसे दुनिया ने Uh, इससे पहले कभी देखा नहीं था और उनको जीनियस कहा जाता था जीनियस मतलब होता है एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअल जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी uh, अकलमंद हो और उसके अंदर क्रिएटिव पावर हो वी विल स्टडी अबाउट हिज लाइफ अचीवमेंट्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ और उनकी लाइफ अचीवमेंट और उन uh, उनके जन्म से और उनकी मृत्यु तक हम लोग पढ़ेंगे एलबर्ट आइंस्टीन बॉर्न ऑन फोर्टी मार्च एटीन सेवेंटी नाइन जर्मनी विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही फॉर ग्रेटनेस और इनका जन्म एल्बर्ट आइंस्टीन का चौदह मार्च एटीन सेवनटी नाइन को Ulm, एक शहर का नाम है जर्मनी में है वहाँ पैदा हुए थे ऑन द कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्रेरी मतलब होता है अपोजिट इनकी मदर जो थी इनको ये कहा करती थी कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक हैं फ्रीक मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा पर्सन जो कि देखने और सोचने में दूसरों से अलग हो टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज और इनकी मदर के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सर था वो बहुत बड़ा था एट द एज ऑफ टू एंड हाफ आइंस्टीन स्टिल वॉज एंड टॉकिंग ढाई साल हो गए थे लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक बात करना आ, नहीं सीखे थे हिज क्लासमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग और इनके क्लासमेट इनको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे क्योंकि ये किसी से बात ही नहीं करते थे और जो भी इनके साथ रहता था बोर हो जाता था सो द यंगस्टर्स यंगस्टर्स प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम तो इस तरह से आइंस्टीन जो है वो अपने आप ही खेला करते थे मतलब खुद अपने साथ ही खुद के साथ ही खेला करते थे ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल hmm, टॉयज और इन्हें मैकेनिकल टॉयज पसंद थे अड मास्टर वंस टोल्ड इज फादर दैट वॉट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन डजेंट मैटर आइंस्टीन हिल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग एक बार इनके हेड मास्टर ने इनके फादर से कहा कि आइंस्टीन क्या प्रोफेशन चूज़ करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ सिक्स छः साल की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा लेटर ही बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट और फिर उसके बाद ये एक अमेचर वायलिनिस्ट हो गया अमेचर मतलब होता है कि जब हम थे कोई भी चीज़ पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं अमेचर पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको हम अमेर कहते हैं बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक म्यूनिक एक शहर है जर्मनी में वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल किया एंड इसको गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर इनके आए आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन आइंस्टीन को स्कूल के रेजिमेंटेश मीन मतलब कि वहाँ के डिसप्लिन से डिसप्लिन से ख़ास नफरत थी एंड ऑफन क्लास्ट विध टीचर्स और टीचर्स के साथ अक्सर इनकी झड़प हो जाया करती थी एट द एज ऑफ फिफ्टी फील्ड और स्टीफिल्ड मतलब होता है सफोकेटेड अनकम्फर्टेबल ठीक है अनकम्फर्टेबल तो पंद्रह साल की उम्र में आइंस्टीन इतने अनकम्फर्टेबल हुए यहाँ की ही लेट द स्कूल फॉर गुड और इन्होंने हमेशा के लिए फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए स्कूल इन्होंने छोड़ दिया द प्रीवियस ईयर पहले साल में एल्बर्ट्स पेरेंट्स है मिलान एक शहर है इटली का तो इनके पेरेंट्स को मिलान जाना पड़ा एंड लेफ्ट दन विथ रिलेटिव तो एल्बर्ट uh, को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया आइंसटीन गॉट हिज़ विश टू कंटिन्यू हज़ एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड और ये जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे इन सिटी विच इज़ मोर लिबरल दैन म्यूनिक और एक ऐसा शहर जो कि ज़्यादा लिबरल था म्यूनिक से तो लिबरल का मतलब ये होता है कि जहाँ लोगों को समझा जाए मतलब कि उनके ओपिनियन के को और उनके थॉट की रिस्पेक्ट की जाए उसे हम लिबरल कहते हैं आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स इनको मैथमेटिक्स से बहुत लगाव था और फिज़िक्स में बड़ा इंटरेस्ट था एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिक जूरिक एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का तो स्कूल फिनिश करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये ये जूरिक के यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे बट साइंस वॉज इन्ट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस लेकिन सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि आइंस्टीन को अपील करती थी और ये एक यंग मैन थे जिनकी वॉलरस मॉस्टैश थी वॉलरस जो होता है एक लार्ज मैरीन एनिमल होता है रिलेटेड टू सील्स जो सील्स होती हैं उनसे रिलेटेड होता है और ये इसको दो पॉइंटेड टस्क होते हैं जैसे हाथी के दांत होते हैं ना दो आगे के निकले हुए तो इसके भी दो दांत होते हैं निकले हुए ही ऑल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक और इनको फिर एक फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक से काफ़ी लगाव हो हो गया होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएटर जिन्हें ये एक क्लेवर समझा करते थे दिस यंग सब और ये सब मीन्स सबिया एक रीजन है एक कंट्री है तो वहाँ की ये मिलेवा थी हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वॉज़ वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज और वो मिलेवा यहाँ जूरिक में इसलिए पढ़ने आई थी कि ये उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से थी यूरोप की जहाँ की वुमेंस को डिग्री दी जाती थी उस टाइम सारी यूनिवर्सिटीज़ लेडीज़ को डिग्रीज नहीं दिया करती थी एंसटीन सॉ इन हर एन एल आई अगेंस्ट द फिलस्तीन्स और उन्होंने एक एल आई देखा मीन्स फ्रेंड किसको को को अगेंस्ट द फिलस्तीन्स तो फिलस्तीन्स का ये मतलब होता है कि uh, कोई भी एक ऐसा पर्सन हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूज़िक एक ऐसा पर्सन जिसे आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट ना हो दोस् पीपल इन इज़ फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑर्ट्स तो उन लोगों के साथ ये हमेशा इनकी कभी बनी नहीं हमेशा ठनी रहती थी द कपल फेल इन लव मिलेवा और आइंस्टीन फिर इन दोनों में प्यार हो गया लेटर सर्वाइव्ड इन विच दे पुट दे अफेक्शंस इनटू वर्ड्स फॉर फो आज तक आइंस्टीन के लव लेटर मौजूद हैं जिसमें कि जो अफेक्शन था लव था एक दूसरे के लिए वो देखा जा सकता है मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस और इनके प्यार में साइंस के साथ टेंडरनेस भी छिपी हुई थी कोमलता आइंसटीन uh, उस लव लेटर में लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वेन वी बोथ हैव ब्रॉड ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन और इस लेटर में इन्होंने प्यार के साथ साथ साइंस के वर्ड्स भी जोड़ दिए फिजिक्स के जैसे रिलेटिविटी इनटीन हंड्रेड एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड 1900 में इनकी एज 21 वन ईयर्स थी और ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके थे और अभी बेरोजगार थे ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट उसके बाद इन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया प्राइवेट लसेंस लिए एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902 और 1902 में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस में जो कि बर्न में था बर्न इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड तो पेटेंट क्या होता है कि एक तरह से जो लाइसेंस देते हैं ठीक है लाइसेंस Uh, किसी चीज़ के इन्वेंशन के लिए होता है कि अब वो उसको जो लाइसेंस मिल गया है अगर किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है इजाद की है तो उसको वो सेल कर सकता है ही वो सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन और ये दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असेस किया करते थे मींस इवेलुएट किया करते थे एसेस का यहाँ मतलब हो जाएगा असेसिंग मतलब ईवेलएटिंग इवेलुएट किया करते थे आइंसटी आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज़ ओन आइडियाज इन सीक्रेट और ये सीक्रेटली अपने आइडियाज भी डेवलप किया करते थे ही ई सेट टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स और ये जोकिंगली मिस मजाक में अपने डेस्क ड्रावर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ नाइनटीन ओ फाइव वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इन्होंने एक पेपर सबमिट किया था नाइनटीन ओ फाइव में जिसका टॉपिक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिर इसी पे आगे चल के इनका फार्मूला फेमस बना था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोलूट जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस जो है वो एबसोलूट नहीं होते हैं मतलब कि जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं नॉट कंपेबल इन डी टू परफेक्ट एक्ोरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ़ वन ऑफ़ देम इज़ मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर और इन्होंने कहा कि दो अगर घड़ी हैं और वो एक साथ वर्क कर रही हैं तो वो टाइम उन, उनके जो टाइम वो बताएंगी उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा इफ इफ़ एनी वन ऑफ़ देम इज़ मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर्स उनमें से कोई एक जो है वो बहुत तेज़ चल रही है घड़ी फ्राम दिस फॉलोड द वर्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी और इसी से मास और इनर्जी का फेमस फार्मूला ईजाद हुआ इज इक्वल टू एम सी स्क्वा जहाँ की ई e का मतलब होता है इनर्जी एम का मतलब होता है मास और ई e का मतलब होता है इस्पीड जो इस्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में वो तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स हिस प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग और ये फिजिक्स के मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाया करते थे लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकी जो प्राइवेट uh, लाइफ थी मीन्स मिलेबा के साथ जो थी वो अनरेवलिंग थी मतलब कि स्टार्टिंग टू फेल अब ये इनकी लाइफ जो है वो एक तरह से जो लव लाइफ थी वो फेल हो रही थी ठीक है एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई फ़ौर ही लेकिन इनकी मदर इनके अगेंस्ट थी मीन्स इस शादी के अगेंस्ट थी इनकी मदर का मानना था कि मिलेवा हुज़ थ्री ईयर्स ओल्डर देन हर सन एल्बर्ट से तीन साल बड़ी थी शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस और इनकी मम्मी को मिलेवा के इंटेलिजेंस पे डाउट था मीन्स कि वो थी कि वो इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है ठीक है इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है शी इज अ बुक लाइक यू एंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ और उनका कहना था कि वो तुम्हारी तरह तुम तुम्हारे लिए तो एक किताब है मीन कि तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा मीन समझना पड़ेगा आ, वो ऐसी लड़की नहीं है कि जो तुम जिसको तुम इजली समझ लो तो इस तरह से आइंस्टीन ने फिर शादी को स्थगित कर दिया द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. फिर लेकिन अंततः 1903 में दोनों ने शादी कर लिया और फिर इनसे दो बेटे हुए बट फ्यू लीयर्स लेटर ही मैरिड द मैरिज फॉल्टड लेकिन कुछ साल के बाद जो शादी थी वो फॉल्टड हो गई फॉल्ट मतलब होता है वीक ठीक है कमज़ोर होने लगी मीन्स उसमें कुछ दरारें वगैरह पड़ने लगी मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ और वक्त गुजारने के साथ मिलेवा जो थी वो क्या हुई कि इंटेलेक्चुअल एम्बिशन उसका लूज़ होने लगा मींस कि जो मेंटल एम्बिशन था उसकी दिमागी स्थिति थी वो धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगी और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ़ बन के ही रह गई आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग और लगातार कई सालों तक दोनों कपल में एल्बर्ट और बिलिवा में झगड़े हुआ करते थे द कपल फाइनली डाइवोर्स इन नाइनटीन नाइनटीन और नाइनटीन नाइन्टीन में इनका तलाक हो गया आंसटीन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर और उसी साल नाइनटीन नाइनटीन में आंसटीन ने अपनी कज़न एल्सा के साथ शादी कर लिया इन नाइनटीन फिफ्टीन ही हैड पब्लिश जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवटी पे नाइनटीन uh, फिफ्टीन में पब्लिश किया था एक पेपर विच प्रू प्रोवाइडेड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी जिससे कि ग्रेविटी का एक नया इंटरप्रिटेशन होता है इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि एक्सप्लिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग कि हम किसी चीज़ को हम क्या उसका मतलब बताते हैं उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं एन एक्लिप्स ऑफ सन इन नाइनटीन नाइनटीन ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एकट और उसी साल नाइन्टीन नाइन्टीन में एक ग्रहण लगा था सूरज ग्रहण और उसको इन्होंने प्रूफ किया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इन्होंने एडवांस में ये कैलकुलेट कर लिया था कि कोई भी फिक्स स्टार है वहाँ से जो लाइट ट्रेवल होगी तो वो आ, डिफ़्लेक्ट होगी सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड से द तो न्यूज़ पेपर्स प्रोकलेम्ड हिज़ वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तो न्यूज़पेपर्स ने इनके काम को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया रिवॉल्यूशन मीन्स होता है क्रांति में कोई बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आइंसटीन रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर फ़िज़िक्स इन 1921, 1921 में इन्हें फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिलता है ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसके साथ ही साथ इनको इनविटेशंस और ऑनर्स इज़्ज़त शहरत मिलने लगी वर्ल्ड वाइड एंड लॉडेड बाई द प्रेस और प्रेस से भी इनको बहुत ही प्रेज मिला लॉडिड मीन्स हाईली प्रेज्ड बहुत जब प्रशंसा मिलती है तारीफ होती है तो उसको हम लॉडेड कहते हैं वन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, थर्टी थ्री एंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स और फिर 1933 में नाजीज की हुकुम, हुकुमत आ गई जर्मनी में तो ये यूनाइटेड स्टेट्स चले आए नाजीज़ कौन होते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी की वर्कर्स पार्टी है उसे नाजी कहते हैं फ़ाइव ईयर लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिज़न इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसट इन एन अप्र और पाँच साल के बाद न्यूक्लियर फिजन में डिस्कवरी हुई बर्लिन में जिसकी वजह से जो अमेरिकन फिजिस था मीनस एल्बर्ट जो था वो ये इनके अंदर एक बहुत ही डिस्टर्बेंस या गुस्सा क्रिएट हुआ मैनी ऑफ देम हैड फ्लेट फ्रॉम फैसिज्म और बहुत से जो अमेरिकन फिजिसट थे वो फैजिसम से भाग गए फैसिज्म वो होता है कि जहाँ हम रेस को मतलब जाति को अब इंडिविजुअल से ऊपर मानते हैं कि एक इंडिविजुअल से ऊपर जाते है जाति है और उसका राष्ट्र है नेशन है जस्ट एज आंस्टीन हैड एंड नाओ देवर वेरी अफ्रेड द नाजीज बिल्ड एंड यूज एन एटोमिक बम और जो फिजिसिस्ट थे साथ में आंस्टीन थे तो इनको इस बात की शंका लगी रहती थी कि जो नाजीज हैं जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है वो इस रिलेटिव थ्योरी का यूज़ करके एटॉमिक बम बनाएंगे आंस्टीन रोट अ लेटर टू तो द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजोवेल्ट ऑन टू अगस्त नाइनटीन और इसी संदर्भ में आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजोवेल्ट को एक लेटर लिखा था 2 अगस्त 1939 को और उस लेटर में आइंस्टीन ने वार्न किया था कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सराउंडिंग टेरिटरी कि अगर इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब भी गिरा दिया गया किसी पोर्ट पे मीन्स किसी बंदरगाह पे तो वो पोर्ट तो नुकसान होगा आसपास का जो इलाका है वो भी नुकसान होगा क्षतिग्रस्त हो जाएगा द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन तो फिर अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसमें एटॉमिक बम को डेवलप किया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जपनीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 और उस बम को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया 1945 पे आंसटीन वॉज डीपली शेकन तो इस इंसिडेंट से आंसटिन को बहुत ही दुख हुआ दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस और इस बार इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा मिसिव मीन्स होता है लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल जो एक आधिकारिक लेटर होता है और लंबा लेटर होता है उसे हम मसेव uh, बोलते हैं इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट और उस लेटर में इन्होंने एक ऐसी बात की थी कि कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ना हो के पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए अनलाइक द लेटर टू रोजोवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट तो इस तरह से इस लेटर का भी कोई असर नहीं पड़ा यूनाइटेड नेशंस को जिस तरह से रोजोवेल्ट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स फिर उसके बाद आइंस्टीन जो थे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप और आर्म्स बिल्डअप के लिए एजिटेट करने लग गए मीन्स प्रोटेस्टिंग एजिटेटिंग मीन्स प्रोटेस्टिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी और पीस और डेमोक्रेसी के लिए शांति के लिए ये कैंपेन करने लगे आइंस्टीन डाइड इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव ऐट द एज ऑफ सेवेंटी सिक्स और छिहत्तर साल की आयु में इनकी मृत्यु होती है ही वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्क सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस और दुनिया जो है इनको एक विजनरी के नाम से जानती है विजनरी वो होता है कि जो फ्यूचर की चीज़ों को देख सके मतलब आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले से वो प्रेडिक्ट कर सके और उसमें इंटेलिजेंट वे से मतलब अपनी अकलमंदी से और साथ ही साथ ये विजनरी होने के साथ साथ साइंटिफिक जीनियस भी थे जीनियस मींस एक्स्ट्राऑर्डनरी इंटेलेक्चुअल पावर और इन्होंने ही फेमस फार्मूला दिया था ई इज़ इक्वल टू एम सी तो गायस ये थी स्टोरी अब ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा दैट इज़ ऑल फॉर टुडे बाय